नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी बच्चे? थोड़ा सा यहां पे लाइट की समस्या थी, इसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। ठीक है, चलिए। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार सभी लोग बताएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो भी देर हुई है उसके लिए आप सभी बच्चों को सॉरी, आप लोगों को 10 मिनट तक कम से कम इंतजार करना पड़ा। ठीक, चलिए। तो आपको पता है हम लोग मैथ्स की क्लासेज आपकी चल रही हैं। ये क्लास आपका यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एकदम 100% इफेक्टिव है। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आए हैं, दिल्ली पुलिस में आए हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में कराता हूं। ठीक, एक चीज और बता दूं कि आज आपकी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्लासेज एसएससी मेकर के ऐप पे स्टार्ट होने वाली है, तो सारे बच्चे जरूर उस क्लास से जुड़िएगा। ठीक है, चलिए। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए कि आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, काफी देर से हम भी आपका इंतजार कर रहे थे कि लाइट एक बार आ जाए तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज आपको पता है, आपको मैंने रेशियो पढ़ा दिया, एक में फिर से एज और पार्टनरशिप हम लोग पढ़े। और आज की जो क्लास होगी ना, इसमें मैं आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं। ठीक, तो चलिए एक बार सारे बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी के सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करें। आज का बोर्ड ज्यादा चमक रहा है। ठीक है, एक बार बताइए। चलिए, तो प्रतिशत क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए प्रतिशत का मतलब अगर बिल्कुल बेसिक से बात करूं, थोड़ा सा आपको मैं इस पर बेसिक बता दूं क्या होता है परसेंटेज। आपने देखा है परसेंटेज का सिंबल ऐसे बना होता है। ठीक, परसेंटेज का सिंबल आपका ऐसे बना होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका मतलब देखा जाए, सिर्फ इस साइन का मतलब, तो इस साइन का मतलब 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100। यानी कि यदि आपके सामने, मान लीजिए मैं लिख के दे दूं, आपके सामने मैं लिख के दे दूं 20%। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20 आपका है, ये सब समझ रहे हैं। अब ये साइन लगा हुआ है ना, तो अगर कभी भी ये साइन लगा हो, कभी भी आपके क्लास में 20% लिख के आए और मैं उसको सीधे 20/100 लिख दूं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि इस परसेंटेज साइन का मतलब ही होता है कि 20 के नीचे 100 लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 20/100 हो जाएगा। एक चीज और बता दूं कि अगर मैं इसको काटूं, 20 को काटूं, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 होता है। तो यदि मैं आपके सामने 1/5 भी लिख दूं 20% को, तो इस बात से भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर 20% को मैं 1/5 लिखता हूं, तो इससे भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका कोई पेपर हुआ और पेपर मान लीजिए 2 नंबर का था, और 2 नंबर में से मान लीजिए आपके 1 नंबर निकल के चले आए। ठीक, कोई परीक्षा होता है, परीक्षा आपका 2 नंबर का लिया गया, 2 में से आपके 1 नंबर आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना प्रतिशत आया है, तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 2 में से अगर 1 आया है तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणे 100 करेंगे। ठीक, 2 में से 1 आया है तो प्रतिशत निकालना है, तो गुणे में 100 करिएगा, और गुणे में 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पे 50% निकल के चला आएगा। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए अगर 3 नंबर का पेपर हुआ और 3 नंबर में से आपको अगर 1 नंबर मिले, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके 33 सही 1/3% आया। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं कि 4 नंबर का परीक्षा हुआ और किसी बच्चे को 1 नंबर मिला, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि आपके 25% नंबर आए। ठीक, अब आगे का प्रोसेस आप लोग करेंगे, इस चीज को आप 20 तक लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस चीज को आप 20 तक लिखेंगे, किसको, 1/5 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 1/8 क्या होता है, 1/9 क्या होता है, ऐसे करके आप क्या करेंगे, ऐसे करके आप 20 तक लिखेंगे, सॉरी 1/20 क्या होता है। ठीक है, यहां तक आप सभी लोग क्या करिएगा, इसको लिखिएगा। ठीक है, इतना बेसिक नहीं सर, देखिए आपको बता दूं यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नई क्लासेस चल रही हैं, तो हर एक चीज का यहां पे ध्यान रखना होगा। ठीक, तो आप क्या करिएगा, आप ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे। जैसे अगर कभी भी आपके सामने 25% लिख के आया, तो इसका मतलब मैं चाहूं तो 1/4 लिख दूंगा सीधा। ठीक, या फिर अगर 1/4 लिख के आया, तो इसको मैं सीधा का सीधा 25% लिख सकता हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क में आप क्या करेंगे, 1/2 से लेके 1/20 तक आप हर एक चीज को एकदम डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आपको मैं लिखा 1/20, कहीं भी मेरे सामने 1/20 लिख के आया, इसका मतलब क्या हुआ? 1/20 का मतलब जो आपका होता है ना, ये होता है 5%, ठीक। तो इसको लिखने से क्या फायदा होगा? इसको लिखने से ये फायदा होगा, यदि कहीं 5% लिख के आता है, मैं सीधे इसको 1/20 लिख सकता हूं, या फिर अगर 1/20 लिख के आता है तो मैं सीधा का सीधा इसको 5% लिख सकता हूं, ठीक है। दोनों चीजें मेरे हाथ में रहेंगी, ये आप सब लिखेंगे और लिखने के बाद चीजों को याद करिएगा, और आज हम लोग क्वेश्चन में भी इन सारी चीजों को यूज करने वाले, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन में भी हम इन सारे फ्रैक्शन को और परसेंटेज को हम लोग यूज करने वाले, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, सवालों को करते हैं। ये आपके ऊपर होमवर्क रहेगा, आप सारे का कैलकुलेशन करेंगे। जब आप कैलकुलेशन कर करके लिखेंगे ना, जब आप कैलकुलेशन करके लिखेंगे तब आपको चीजें याद भी होंगी, ठीक है। आइए अब इस सवाल को जरा करिए। तो परसेंटेज का सवाल है, एकदम बेसिक से हम लोग हर एक चीज को इस क्लास में करने वाले हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या के 40% का 60% अगर 96 के बराबर है तो आपको उस संख्या का 48% क्या होगा, ये बताना है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, याद हो गया है विकास गुप्ता, आपको याद हो गया है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि नए नए पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक, उनको भी याद करना पड़ेगा। वो सारे बच्चे याद करेंगे तभी जाके मजा आएगा। आप तो पुराने छात्र हैं लेकिन नए छात्र भी हैं, इनको भी चीजों को सिखाना है। अब जैसे कहा गया है किसी संख्या का, मुझे नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या अगर मुझे नहीं पता है तो मैं x मान लूंगा, ठीक है, मैं x मान लूंगा। अब x का 40% आपको मैंने सिखाया, 40% का मतलब आप कहेंगे सर 40/60, और इसका 60%, किसी संख्या के 40% का 60%, यानी कि अब इसका 60%, यानी कि 60/100, ठीक। 40% का 60% क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका 96 है। क्या है? 96 है। अब इस क्वेश्चन इसका आपको 48% निकालना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पे x का मान निकल के आएगा, और x का मान कितना आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब एक चीज और है, अगर आपको चीजें थोड़ी सी आगे चल के पता चलेंगी तो आप इसको 40% को सीधे लिखेंगे 2/5, ठीक, और 60% को सीधे आप लोग लिखेंगे 3/5, ठीक है। देखिए 20 × 40 और 20 × 5 = 100, 20 × 60 और 20 × 5 = 100, और ये बराबर है आपके 96 के, ठीक। 3 × 2 का क्या होता है, 3 × 2 = 6 और 6 से काटेंगे 16 × 6 = 96, x बराबर क्या हो जाएगा 16 × 25, कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80 × 0 = 8 = 32 हो जाएगा 40, यानी कि यदि आपसे पूछी जाए संख्या कितनी है तो आप कहेंगे संख्या मेरी 400 है, ठीक है। संख्या कितनी है, तो संख्या है आपकी 400, और क्वेश्चन में कहा गया है संख्या का 48%, तो बस आपको 400 का यहां पे 48% निकाल देना है, ठीक है। 400 का 48% क्या हो जाएगा, 800 × 32 = 2 = 3 और 16 × 3 = 19, यानी कि 192 आपका यहां पे हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आ गया सबका 192 आ गया ना सबका, ठीक है। संख्या कितनी थी, संख्या 400 थी, और 400 का 48% मेरा कितना निकल के चला आया, तो ये मेरा 192 निकल के चला आया। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से सारे बच्चे, ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे करिए। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, 20% का मतलब आपने क्या सीखा, 20% का मतलब आपने सीखा 1/5, ठीक। अच्छा, और 40% का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए इसमें 2 गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 40% हो जाएगा, और जब इधर 2 गुणा किए हैं तो इधर भी 2 गुणा करिए तो ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप 40% को सीधा का सीधा 2/5 लिख सकते हैं। अगर यहीं पे 60% की बात आए तो 20 में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये 60% हो जाएगा, और इसमें भी जब आप 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो 80% हो जाएगा, और 80% इधर भी 4 से गुणा करेंगे 4/5 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 20% को सीधा 1/2 लिख सकते हैं, सॉरी 1/5 लिख सकते हैं, 40% को सीधा 2/5 लिख सकते हैं,
60% को 3/5 और 80% को सीधा का सीधा 4/5 लिखा जा सकता है। अब जैसे इस सवाल में कहा गया है 3500 का, आपके पास 3500 है, 3500 का 3/7 और इसका 40% यानी 2/5 और इसका 25% यानी 1/4 इसका मान आपको बताना है। ठीक, अगर आप डायरेक्ट ये सारी चीजें लिखना सीख गए तो आपका एक स्टेप हर एक क्वेश्चन से कम हो जाएगा, हर क्वेश्चन से एक स्टेप यहां पे कम होने लगेगा जैसे ही आप इस फ्रैक्शन को लिखना सीखेंगे। अब क्या हो गया, 7×5=35 और 35 से 3500 को काटेंगे 100 बार में कट जाएगा, 2×2=4 और 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, तो 50×3=150 आपका यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, एक बार बताइए किसी बच्चे को कोई समस्या है इस 1/4 को लिखने में, इस 2/5 को लिखने में, किसी बच्चे को समस्या होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है ना, आ जाएगा सबका आंसर, अभी ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। ठीक, अब इस आधार पर सॉरी, चलिए इस आधार पे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, चल इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या के 70% में से अगर 90 को घटा दिया जाए तो वो संख्या 120 आता है। ठीक, कोई भी संख्या है, आप संख्या को अभी शुरुआत है तो शुरुआत में आप क्या करिए, x मान लिया करिए। ठीक, x मान लिया करिए, अगर मान लीजिए जैसे सवाल में कहा गया किसी संख्या के, मान लीजिए x, इस संख्या के 70% में से ठीक अगर 90 को घटा दिया जाए तो यह संख्या कितनी आ जाती है, यह 120 आ जाती है। आगे आपको x का मान बताना है। ठीक, एक तो आपके पास यह तरीका है, ठीक है, ठीक, एक यह तरीका है, यह बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक, लेकिन हम लोग अब थोड़ा सा समझदार हो गए हैं तो ये एक्स वैक्स मानने वाले तरीके से नहीं चलते हैं। हम क्या करते हैं, हमको पता है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ठीक, जैसे एक लिखा गया है, ये एक क्या है, ये एक खुद में 100% है। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या के 70% में से अगर आप 90 को घटाएंगे तो ये 120 के बराबर आएगा। ठीक, कोई भी संख्या था, इसके 70% में से जैसे ही 90 को घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करिए, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो 70% बराबर क्या हो जाएगा, 120 में 90 जोड़ देंगे तो ये 210 हो जाएगा। ठीक, 70% बराबर 210, 1% बराबर, तो 1% भी निकाल सकते हैं, 70 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 1% का मान आ गया। अब यहां से कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। ठीक, जैसे आपसे संख्या पूछी गई है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी कि यह संख्या भी 100% होगी, तो 1% यदि 3 है तो 100% मेरा 300 यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक, 50% पूछता, 50 से गुणा कर लेते, 70%, 60%, 20%, 30%, कुछ भी पूछता, 1% का मान पता है, हम हर प्रतिशत को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1% का मान आपसे को मिल गया तो आप सारे प्रतिशत को आराम से निकाल सकते हैं। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को करिए, ऑप्शन से कर सकते हैं, देखिए अभी आप बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं, एकदम आराम से हर एक क्वेश्चन हो सकता है, तो जरूरी नहीं है आप ऑप्शन से करें, जब इतने आसानी से हो सकता है ऑप्शन से करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका तो यहां पे ऑप्शन ए था तो चलिए आपने कर लिया, अगर यही ऑप्शन डी पे दिया होता तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन सॉल्व करते तब जाके आपका यहां पर आंसर आता। ठीक, लेकिन अगर डायरेक्ट कर लेंगे तो इससे आपका सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने देर में आप एक ऑप्शन चेक करेंगे ना उतने में तो इतना आ ही जाएगा। ठीक, बेसिक वाला बताइए, तो बेसिक वाले में भी कुछ नहीं है, इसको उठा के यहां करेंगे उसके बाद वही 70 से काटेंगे और 100 को गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, बेसिक वाला तो कर ही सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को जरा करके दिखाइए तो सारे बच्चे, कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। अब इस सवाल में क्या है, एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न है,
ठीक, कितने प्रश्न है? 200। सबिता ने पहले 150 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। पूरी परीक्षा में अपने ग्रेड के लिए 60% होने अपने ग्रेड 60% होने के लिए उसे अन्य 50 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा? कितना आ रहा है? 30%। अब देखिए, एक परीक्षा है, मान लीजिए जैसे एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है तो सीपीओ में 200 प्रश्न आते हैं, ठीक। तो सीपीओ के एग्जाम में आया 200 प्रश्न, ठीक है। अगर आपको सीपीओ में सिलेक्शन लेना है तो आपको कहा जा रहा है कि यहां पे 60% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। कितने? 60% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक। 60% कितना हो जाएगा? 60 × 120 हो जाएगा। आपने क्या किया? आप शुरू किए क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप मान लीजिए मैथ सॉल्व किए, रीजनिंग सॉल्व किए और जीएस सॉल्व किए, तीन विषय को सॉल्व किए, और तीन विषय में से आपका, तीन विषय का मतलब 150 प्रश्न आप सॉल्व कर दिए। इस 150 प्रश्न में से आपके 70% जवाब सही है। अब देखिए, इस 150 प्रश्न में आपके 70% जवाब सही है, 15 × 105 होता है, यानी कि 105 क्वेश्चन सही है, ठीक। अब शेष बचा है 50 प्रश्न। शेष 50 प्रश्न बचा है, मुझे 60% नंबर चाहिए तो 120 क्वेश्चन सही करने हैं। 105 क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी सही है, यानी इस 50 में से मुझे 15 क्वेश्चन और सही करना होगा। कितना? इस 50 में से मुझे 15 क्वेश्चन और सही करना होगा। तो अगर मुझे 50 में से 15 क्वेश्चन को सही करना है तो आपसे कोई पूछे कि प्रतिशत में बताइए तो कितना प्रतिशत क्वेश्चन सही करना होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो 15 × 30% क्वेश्चन आपको और सॉल्व करना होगा। कितना? ऑप्शन बी, यानी कि 30% क्वेश्चन आप और सॉल्व करिए, उसके बाद क्या होगा, आप एसएससी सीपीओ टीयर 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से बताइए, तो किसी बच्चे को इस 30% में कोई दिक्कत है क्या? आ रहा है सबका आंसर, कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा ना? आइए, अगर नहीं होगा तो आगे बढ़िए और इस क्वेश्चन को करिए। अब जैसे देखिए, देखिए एक चीज आपको बेसिक सा सिखाएंगे, ठीक है। एक बेसिक चीज सीखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, आपके पास एक संख्या दी गई है 10, ठीक। अगर आपसे कोई कहे कि इस 10 को 10% से बढ़ा दीजिए, इस 10 को 10% से बढ़ा दीजिए, ठीक, इस 10 को 10% बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? जल्दी बताइए आप क्या करेंगे। आपके पास एक तो तरीका है, इस 10 का पहले आप 10% निकालें, ठीक। इस 10 का 10% निकालेंगे यानी कि आपका 1 निकल के आ जाएगा, ठीक। और आपकी संख्या 10 थी, इसको 10% बढ़ाना था यानी 1 बढ़ाना था, तो आप चाहे तो इसको ऐसे करके 11 लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे करके 11 लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक तरीका और, दूसरा तरीका, आपकी संख्या क्या है? 10। इसको क्या करना है? 10% बढ़ाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक। अब मान लीजिए यह संख्या आपकी 100% है, 100% है, इसको 10% से बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? आप 100 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110%, ठीक। यह संख्या 100% थी, इसको 10% बढ़ाना है, तो हमने 10 जोड़ दिया यानी 10 का 110%, ठीक है। 100% संख्या, 10% जोड़े हैं, प्रतिशत साइन का मतलब बट्टे में 100 होता है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 11। तो ऐसे आप चीजों को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक ठीक है। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं 700, इस 700 को 15% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 15% बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा? एक बार जल्दी से सारे बच्चे आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए, तो एक संख्या है आपकी 700,
इस 700 को 15% बढ़ाना है तो कितना होगा एक बार बताइए। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, ये 100% है, 15% जोड़ना है यानी ये 115% हो जाएगी बढ़ने के बाद। ये संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये संख्या बढ़ के 115% हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ के दो जीरो से यहाँ का दो जीरो काट देंगे और ठीक है, और सीधा गुणा करेंगे, 15 से 105 होता है तो 701 805 हो जाएगा। ये संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 805 हो जाएगी। ठीक, बढ़ा लेंगे। ऐसे ही घटाना होगा तो 100 में से घटा दीजिएगा। अगर इस संख्या को 15% घटाना होगा तब बताइए तो कितना आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक है, इस चीज को सीख जाएंगे ना तो कोई भी कहीं भी प्रॉफिट में लॉस में डिस्काउंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब बताइए अगर घटाना हो तो कितना होगा, अगर घटाना है तो कितना होगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 15% घटाएंगे तो 100 में से 15 घटते ही कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, यानी ये संख्या घट के 85% हो जाएगी। तो बस 85% निकाल लेना है, 7 × 35 का 5 कैरी 3, 8 × 7 56 और 3 कितना हो जाएगा, 59, यानी कि 595 हो जाएगा ये आपका घटने के बाद। ठीक है, 7 × 35 का 5 कैरी 3, 8 × 7 56, 8 × 7 56 3 59, 595, ठीक है, 695 नहीं होगा। ठीक, तो कोई बच्चा बताए क्या किसी बच्चे को संख्या को बढ़ाने में और संख्या को घटाने में कोई दिक्कत आएगी क्या। अगर कहीं लिखा जाए 20% बढ़ाना है 20% घटाना है तो क्या किसी बच्चे को कोई समस्या आएगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर समस्या आएगा तो इन एक दो सवालों से हम आपकी समस्या को दूर कर देंगे। चलिए करिए, तो इस क्वेश्चन को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, आज से आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस यहां पे स्टार्ट होंगी। ठीक है, आज पहली क्लास है, इसमें मेरी मैथ्स की लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, मैथ्स की लाइव क्लास चलेगी शाम को 7 से 8 PM में मैथ्स की लाइव क्लास चलेगी। पहली क्लास है, इसमें आपको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन के बाद सबसे बेसिक चीज आज हम लोग करने वाले हैं। सबके लिए क्लास फ्री रहेगी, ये क्लास सबके लिए फ्री रहेगी। यहां पे हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन से। ठीक है, कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे जो कि मैथ्स का बेसिक है, मैथ्स का जड़ है, यहां से हम लोग चीजों को शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो आप किसी भी बैच के छात्र रहे हो, ठीक है, आज की क्लास फ्री रहेगी, आप जरूर इस कैलकुलेशन वाले वीडियो से जुड़िएगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन वाले वीडियो से जुड़िएगा आप सभी लोग, उसके बाद ऐप पर एसएससी मेकर के ऐप पर, ठीक है, इस कैलकुलेशन वाले वीडियो से जुड़िएगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, तो एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई, तो एक वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी आपको यहां पर बताना है। ठीक, अब देखिए इसको आप चाहे तो मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या एक्स थी, कोई भी संख्या अपने आप में 100% और 100% में आपको बढ़ाना है 20%, तो आप सबको पता है ये बढ़ के हो जाएगा 120%, यानी कि x का 120% कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 30,942, x का 120% 30,942, आपको मूल संख्या x का मान निकालना है। ठीक है, मूल संख्या x का मान निकालना है, तो यहां पे क्या करेंगे, 20 × 6 = 120, 20 × 5 = 100, 6 से काटेंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 6, ठीक है, 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, इस 5 को लाके गुणा करेंगे, 5 × 7 = 35 का 5, 3 ऑप्शन में 5 है और 5 × 5 = 25, 3 × 28 का 8, इन तीनों में 8 भी है, यानी और आगे कैलकुलेशन जाएगा, 25 × 3 = 28 2, 5 × 5 = 2 = 7, यानी कि 785 यहां भी है यहां भी है, तो 785 कितना था, 5 × 5 = 2 = 7, 5 × 5 = 25, तो कितना हो जाएगा, 25,785, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। आ रहा है सभी बच्चों का आंसर, बढ़ाने घटाने में किसी को समस्या होगी, ठीक है, बढ़ाने घटाने में कोई समस्या नहीं है ना। हाँ, प्रिंस रॉय ऐसे भी कर सकते हैं, संख्या का 120% कितना, संख्या का 120% बराबर 30,942, ठीक है,
तो आप यहाँ पे सीधा 100% निकाल सकते हैं। 100% कैसे निकलेगा, 30,942 को आप यहाँ पे 120 से भाग दे दीजिएगा और इसको 100 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। यही स्टेप है, देखिए आप यहाँ पे 120 को ला के भाग देंगे और फिर से इस 100 को ला के यहाँ पे गुणा करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे एक लाइन में भी आप लोग लिख सकते हैं। ये कितना है, 30,942 120% है, ठीक है। तो 30,942 को 120 से भाग दे दीजिए, 1% निकल जाएगा। 100% निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए तो आपका सीधा 100% निकल जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए, हाँ बिल्कुल सही बात, वही होगा। अब यहां देखिए, यहां चीजें दो बार बढ़ेंगी। दो बार बढ़ने का क्या मतलब है, इस चीज को समझिए एक बार आप सभी लोग। किसी भी चीज को दो बार बढ़ना है। अब दो बार बढ़ने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है 500, इसमें कहा गया इसको आप 10% बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसको आप 10% बढ़ा दीजिए। 500 का 10% क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 500 का 10% 50 हो जाएगा, यानी ये संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 550। उसके बाद कहा गया अब फिर से 10% बढ़ा दीजिए, तो अब क्या करेंगे, अब आप इस 550 का 10% यानी कि 55 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये संख्या 605 हो जाएगी, ठीक। ये क्या हुआ, ये संख्या बेसिक से दो स्टेप में चला, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बेसिक से दो स्टेप में चला। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर देंगे, कोई संख्या है आपकी 500, कहा गया 10% बढ़ाइए, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 10% बढ़ा देंगे ये संख्या 110% हो जाएगी, ठीक। इसको फिर से 10% बढ़ाना था तो अब ये आपकी संख्या बन गई, ये संख्या अपने आप में 100%, अब इस संख्या को 10% बढ़ाना है तो फिर से 110% कर देंगे, तो यहां पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आपका ये 55 और 55 में 11 से गुणा करेंगे तो 605 आपका यहाँ पे डायरेक्ट निकल के चला आएगा, ठीक। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला सवाल है, दो बार बढ़ाइए, तीन बार बढ़ाइए, चार बार बढ़ाइए, कितने बार भी बढ़ाएंगे, बस अगले में 100+X%, अगले में 100+X%, ऐसे बस आपको करते चला जाना है, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को करिए, मध्य प्रदेश पुलिस की भी मदद करिए। बच्चों आपको बता दें, ये जो आपका क्लास चल रहा है आप बिल्कुल कर सकते हैं, एमपी पुलिस में भी इससे क्वेश्चन फंसेगा, एमपी पुलिस में भी इससे क्वेश्चन फंसेगा, ये चीजें अलग नहीं है, ठीक है, आप जरूर करिए, एमपी पुलिस में भी इससे फंसेगा। जीरो लेवल से बताइए, अगर कोई समस्या है हो रही है तो आप बताइए और लेवल गिरा दिया जाएगा, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को करिए, तो एक कंपनी ने अपने उत्पादन में लगातार दो वर्षों में 10% और 15% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने दो वर्ष पहले कितनी इकाइयों का उत्पादन किया था, यदि वर्तमान में वो इतनी इकाई है, यदि वर्तमान में जो उसका उत्पादन है इतनी इकाई है, तो शुरुआत में कितना था ये आपको बताना है, ठीक है। शुरुआत में कितना था ये बताना है, मान लीजिए शुरुआत में कंपनी एक्स उत्पादन कर रही है, ठीक, शुरुआत में कंपनी का उत्पादन क्या है, एक्स है। अब पहले वर्ष में इसका उत्पादन 10% बढ़ गया, यानी x से बढ़ के 110% हो गया। दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 15% बढ़ गया, फिर से इसको 15% बढ़ा दीजिए, 115% कर दीजिए। अब आपने दो वर्ष में उत्पादन बढ़ाया और उसके बाद उत्पादन कितना हो गया, तो 101,200 हो गया, तो आपको x का मान यहां से निकाल देना है, ठीक। जल्दी से देखिए, आ रहा है समझ में, ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी बच्चे बताएंगे, कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत होगा, कहीं भी किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप लोग तुरंत बताइएगा, ठीक। अगर आपको लग रहा होगा कि स्पीड ज़्यादा हो रही है तो उसका भी बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लास लेट होता है ना, तो उसको समेटने के चक्कर में कभी कभी स्पीड बढ़ जाती है, अगर स्पीड भी बढ़े तो आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आप यहां के जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक। अच्छा, 11 से इधर 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से काट देंगे 2 बार में, 11 से इसको काटिए तो 11 नवा का 99 हो जाएगा, 2 22, 11 दुने का 22 डबल जीरो, 23 चौके 92 होता है तो 400 हो जाएगा, 400 दुने का 800 में 100 गुणा कर देंगे तो 80,000 आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी यहां पे
ऑप्शन बी यानी कि 80,000 आ जाएगी। पहले वर्ष में उसका उत्पादन कितना था? पहले वर्ष में जो उत्पादन था वो था उसका 80,000। ठीक। अच्छा एक चीज बता दे, प्रतिशत अगर नॉर्मल है 10%, 15%, 20%, 25%, प्रतिशत यदि नॉर्मल है ठीक और साथ में संख्या भी है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करिएगा। ठीक। एक बच्चा रेशियो मेथड पूछ रहा है, रेशियो मेथड तब इस्तेमाल करना होता है जब परसेंटेज आपका फंसता है। जैसे आपका अगर यही दे देता 6 सही 1/4%, ठीक है, 8 सही 1/3%, यदि ऐसे प्रतिशत आते हैं ना तब हम लोग रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल परसेंट है, इससे चलेंगे बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा। कभी भी प्रतिशत फंसेगा इस फॉर्म में तब हम लोग चलते हैं आपके रेशियो मेथड से। ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, एक बार बढ़ाना घटाना सीख लीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। ऑरेंज इज फ्रूट और कलर। देखिए अगर आप फल की दुकान से खरीदेंगे तो फ्रूट होगा, अगर आप कपड़े की दुकान पर जाके कोई कपड़ा खरीद के लाएंगे तो ऑरेंज आपका कलर होगा। चलिए ये फालतू के सवाल मत किया करिए। आपसे पूछा गया है एक निश्चित राशि में, निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद 7200 शेष है, आपको बताना है मूल राशि कितनी थी। तो जल्दी से बता दीजिए मूल राशि कितनी थी। अब मान लीजिए आपके पास x रुपया है, इस x रुपये में 20% की कटौती करिए या फिर 20% कम कर दीजिए। 20% कम कर देंगे तो ये घट के 80% हो गई। अब ये क्या बच गई? अब ये शेष राशि हो गया। इस शेष में से फिर से 10% काटिए तो इसमें से 10% कम करेंगे तो 90% हो जाएगा। और ये दो कटौती के बाद आपकी राशि 7200 आ रही है तो ये 7200 के बराबर है। आपको मूल राशि यानी x का मान ज्ञात करना है। इसको करेंगे तो आपका 00 से 00 कट जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, ये 100 बार में कटेगा। 100 में 100 को गुणा करेंगे तो x बराबर 10,000 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10,000 सबका यहाँ पे सही जवाब आना चाहिए। ठीक। तो अगर कभी आपको संख्या को बढ़ाना हो, संख्या को घटाना हो तो क्या आप बढ़ा घटा सकते हैं? एक बार सारे बच्चे बताइएगा, क्या आप संख्या को बढ़ा सकते हैं, संख्या को घटा सकते हैं? एक बार सभी लोग इस चीज को बताइएगा। ठीक। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच आज 1 अगस्त आज स्टार्ट होने जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। ठीक है, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों बैच से जुड़िएगा। ठीक है, किसी एक बैच से आपको जुड़ना है, आप एक बैच से जुड़ेंगे तो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों की ही आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को करिए। यदि यही चीज 3 वर्ष में चले तो कैसे करेंगे? यही चीज 3 वर्षों में चल रहा हो तब कैसे करेंगे, एक बार बताइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो जल्दी से सारे बच्चे और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग चैनल से जुड़िएगा। रोज सुबह में 8 बजे क्लास होती है आपकी मैथ्स की, डेली आया करिए क्लास में। उसी के नाम से टाइम लगता है। कितने बजे है क्लास? आपकी क्लास होगी 12:30 से 1:30 जीएस की क्लास। ठीक है, 1:30 से 2:30 बजे तक आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी, 3 से 4 एक और जीएस चलेगा, 4 से 5 हिंदी और फिर से 7 बजे से 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो काटने में प्रॉब्लम होती है, आज शाम को काटना सिखाएंगे आपको, आज शाम को काटना सिखाएंगे। ठीक, आइएगा, कैलकुलेशन की ही क्लास है, पहले कैलकुलेशन सिखा देंगे ताकि आगे चल के किसी तरह की कोई समस्या ना आए। ठीक है, चल इस क्वेश्चन को करिए। अब यहां पे काटने में और कैलकुलेशन में दोनों चीजों में आपको समस्या होने वाली है, लेकिन अगर स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। SKSSC का आंसर आ रहा है 57, 50, 160, बाकी बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है। अब यहां पे कटिंग में गुणा करने में बड़ी समस्या आने वाली है, बड़ी स्मार्टली सॉल्व करिएगा सवाल को, नहीं तो फंस जाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है
3 साल पहले एक फ्लैट की कीमत 65 लाख रुपया थी, ठीक है। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीद रखा है, कितने का? 65 लाख का, ठीक है। अगर नौकरी पा जाएंगे तो ये खरीद सकते हैं, अभी तो संभव नहीं है, ठीक। अच्छा, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष 5%, 4%, 3% की दर से हाथ से हुआ, यानी कि इसका रेट कम हो रहा है। पहले साल क्या हुआ, इस फ्लैट का रेट 5% कम हो गया, यानी 100 में से 5 घटाएंगे तो 95% हो गया। दूसरे वर्ष 4% कम हो गया, 100 में से 5 घटाएंगे, ये कितना, 100 में से 4 घटाएंगे, 96% हो गया। तीसरे वर्ष 3% कम हो गया, 100 में से 3 घटाएंगे, 97% हो गया। इस दर से रेट कम हुआ है, तो वर्तमान में बताइए कितना है इस फ्लैट का मूल्य। काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए कैसे काटना है। सबसे पहले जीरो निपटा लीजिए, जीरो निपटाइए, सारे जीरो को निपटा दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को निपटा दीजिए। 13×5 होता है और 5×2 = 10 होता है। 2 से काटेंगे 48 बार में ये कट जाएगा, ठीक, 48 बार में कट जाएगा, ठीक है। लेकिन एक काम करिए, इसको आप काटिए मत, इसको ऐसे मत काटिए, देखिए अगर आप 4 से काटेंगे, ठीक है, अगर आप इसको 4 से काटते हैं तो 4 से ये कट जाएगा 24 बार में, और 4 से काटेंगे तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक, 4 से कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। और 25 से काटते हैं तो ये तो कट तो रहा था, ठीक है, 25×2 = 50 और 25×6 = 150, 26 बार में कट जाएगा। नीचे से सारी संख्या को साफ कर दीजिए, नीचे से सारे संख्याओं को हटा दीजिए, ठीक। ऊपर देखिए आपके सामने, अब इकाई अंक को देखिए, इकाई अंक में आपके सामने क्या बचेगा, इकाई अंक में जीरो बचेगा, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी लगा हुआ है। अब इसका क्या करें, जीरो तो दो दो जगह आपको दिख रहा होगा, ठीक, दो जगह आपको जीरो दिख रहा है, ठीक है, तो दो जगह जीरो दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा व्यवस्था करेंगे जीरो का। जैसे 95 है तो इस 95 को आप 19×5 लिख सकते हैं, 19×5 लिख सकते हैं, ठीक। इस 24 को आप चाहे तो 2×12 लिख सकते हैं, इस 24 को 2×12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 में 2 गुणा होगा, 10 बच जाएगा, 10 का ये जीरो हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होना है, ठीक। अब इसके बाद वाला अंक कैसे निकालेंगे, इकाई अंक से निकाल लेंगे। इकाई अंक से कैसे, 6×9 = 54 हो जाएगा, 54 का 4 बचेगा, 4×2 = 8 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 8×7 = 56 हो जाएगा, 56 का 6 बच जाएगा, यानी एक डिजिट आपकी 6 हो जाएगी। लास्ट में एक जीरो आएगा, एक 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपकी यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। इकाई अंक से क्वेश्चन को करिए, इकाई अंक से देखिए, अगर 10 बन रहा है, 10 बना के उसको हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, उसके बाद इकाई अंक से क्वेश्चन को करिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपका ऐसे कैलकुलेशन हो सकता है, एक बार बताइए तो। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना बड़ा नंबर आएगा यानी कैलकुलेशन नहीं करना है, इकाई अंक से क्वेश्चन को कर लेना है। अब इकाई अंक कैसे समझाएंगे, कैसे समझाएंगे ये आपके ऊपर है, कैसे चीजों को यूज करेंगे आपके ऊपर होगा, अगले जन्म तक भी नहीं होगा, दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन आपका करने के लिए नहीं था, दिमाग इस्तेमाल करने के लिए था, ठीक है। अगर ऐसे कटिंग किए हैं तो ऐसे हो जाएगा, दिमाग का इस्तेमाल करिए। हो गया, कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा, गलत हो सकता, नहीं, अपने कैलकुलेशन पे भरोसा रखा करिए, अपने कैलकुलेशन पे कभी भी भरोसा रखिए, तभी जाके कैलकुलेशन सही होगा, ठीक है। अब देखिए, जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा इसको, मान लीजिए आपके सामने 65 लाख लिखा हुआ था, 95×100 था, 96× आपका 100 था और 97×100 था, ठीक। 4 से काटे होते 24 बार में, 4 से काटे होते 25 बार में, 5 से काटे होते 19 बार में, 5 से काटे होते 20 बार में, ठीक। अच्छा, अब यहां के 3 जीरो से अगर आप यहां के 3 जीरो को निपटा दिए होते,
ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए 2 से आप काटे होते इसको 12 बार में और 25 से काटे होते इसको तो कितने बार में कटता, 25 दूने 50 और 25 छके 150, 260 बार में, ठीक है। अब देखिए अगर कोई बच्चा ऐसे काटा होगा ना तो ऐसे कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा, एक जीरो है यानी जीरो आना ही आना है, ठीक। 6 9 54 का 4, 4 2 8 का 8, 8 7 56 का 6, यानी कि एक इकाई अंक पे 6 हो जाएगा, तो 6 और 0 आएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। दोनों तरह से बच्चे काटे होंगे, अगर ऐसे काटे होंगे तो 10 आपको बनाना पड़ेगा, अगर ऐसे काटे होंगे तो 10 आपका 0 ऑलरेडी बन के आ रहा है, ठीक। तो कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, यही सारी चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। फौजी बैच से जुड़े हैं, यूपी पुलिस का कोर्स लेना है कि नहीं? अगर आप फौजी बैच से जुड़े हैं तो मैथ रीजनिंग तो आप पढ़े होंगे, साथ में हिंदी भी पढ़े होंगे, लेकिन सॉरी लेकिन जो आपका यूपी पुलिस का रीजनिंग है ना, ये थोड़ा सा अलग है, रीजनिंग थोड़ा सा अलग है, बाकी चीजें तो लगभग आपकी सेम है, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को करिए। अब यहां पे क्या हुआ, किसी पुस्तक की कीमत पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या है आपको यहां पे बताना है। तो जरा इस सवाल को आप लोग करेंगे, 25% कम किया गया, फिर से 20% बढ़ाया गया, ठीक। क्वेश्चन बड़ा कीजिए। किसी संख्या को पहले मान लीजिए 25% बताया गया, उसके बाद 20% बढ़ाया गया, तो आखिर वो संख्या कितनी हो जाएगी? अब ये संख्या कितनी हो जाएगी, इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं, ठीक। एक आपके पास अगर 2% है, कमी और वृद्धि का आपके पास सिर्फ 2% है, तो यहां पे सबसे बेस्ट मेथड, 2% है वो भी नॉर्मल में दिया है, नॉर्मल परसेंटेज है, तो सबसे बेस्ट मेथड है इस वाले फॉर्मूले को लगा दीजिए। सबसे बेस्ट मेथड है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 को लगाइए, ठीक। यही सारी चीजें सीखनी होती है जो प्रैक्टिस से पता चलती है कि कब क्या लगेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको परसेंटेज को उसके साइन के साथ रखना होता है। जैसे पहले 25% की कमी हुई है तो माइनस का 25, फिर से 20% की वृद्धि हुई है प्लस का 20, ठीक। x की जगह माइनस का 25, y की जगह प्लस का 20 आप रखेंगे, तो ये आप ऐसे करेंगे, ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है, क्रमिक वाला फॉर्मूला है, ये आपको कमी और वृद्धि के बारे में सारी चीजें बता देगा। तो अगर 2% है, 2% है, परसेंटेज नॉर्मल है, तो ये वाला मेथड आपका बेस्ट है, ठीक। कितना हो जाएगा, तो माइनस के 25 में से 20 घटाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, 20 पंजे का 100 होता है और 5 पंजे 25 होता है, माइनस का 5 हो जाएगा, -5 -5 यानी कि माइनस का 10%, और यहां पे 10% की कमी आएगी, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब आपका रेट होगा, आपका संख्या होगा वो 10% से कम हो जाएगा, ठीक है। आपका रेट होगा, संख्या होगा वो आपका 10% से कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मेथड यहां पे बेस्ट होगा, ठीक, ये मेथड आपका यहां पे सबसे बेहतर है। अच्छा एक दूसरा तरीका है, मान लीजिए संख्या आपकी 100 थी, ठीक है, आप मान लीजिए आपकी संख्या 100 थी, अगर इसको हम 25% कम कर दे तो संख्या घट के 75% हो जाएगी, ठीक है, और जो संख्या बची है अगर इसको 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका 120% हो जाएगा। अब ये सब करने के बाद क्या बचेगा, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में, यानी 30 तिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आपकी जो संख्या 100 थी घट के 90 हो गई, यानी कि 10 की कमी आई, या फिर आप कहिए 10% की कमी आई। तो एक मेथड ये और एक मेथड ये, ठीक, 2% है, दोनों बेसिक है, तो इस वाले मेथड से जाइएगा। 3% आएगा, 3 बार कमी वृद्धि हो गई, तब आप इस 100 वाले मेथड से जाएंगे। अगर ये कमी और वृद्धि 3 बार होगी तो उस केस में हम लोग को 100 वाले मेथड से जाना है। इस क्वेश्चन को करिए। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। थर्ड मेथड रेशियो वाला, रेशियो वाला मेथड तभी यूज करना है जब परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में हो,
जब प्रतिशत जो दिया गया है वो फ्रैक्शन में दिया गया हो, उस केस में आपको रेशियो वाले मेथड को यूज करना है। ठीक है, रेशियो वाले मेथड जानने से पहले थोड़ा सा और बेसिक जानना होता है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करिए। तो एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, बाद में बिक्री घट गया, तो बिक्री घट गया तो उसका कीमत में 30% की कमी कर दी गई। अब बताना है वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत, वृद्धि हुआ कितना, कमी हुआ तो कितना, ये बता दीजिए। अब जैसे देखिए आपको क्या करना है, आपको बस दो ही परसेंटेज है तो इस वाले मेथड से चल जाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे का 100। ठीक, पहले कीमत को 25% बढ़ाया गया प्लस में 25, उसके बाद 30% घटाया गया माइनस में 30। ठीक है, 25 प्लस में है, 30 माइनस में है, बट्टे का 100 है। आप इस सवाल को करेंगे, 25 में से 30 जाएगा, आपका माइनस का 5 बच जाएगा, 25 चौके 100 होता है, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 7.5 माइनस में, तो माइनस का 5 माइनस का 7.5 12.5% हो जाएगा। माइनस का मतलब है कमी, यानी कि ऑप्शन डी 12.5% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 12.5% का कमी होगा। ठीक, 100 वाले मेथड से प्रिंस रॉय जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 वाले मेथड से जाइए। चल अब ये वाला क्वेश्चन करिए सारे बच्चे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए तो आप सभी लोग, 12.5% की कमी होना है, ये बात तय है। ठीक, चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन को। कृष्णा झा 1/8 आ रहा है, 1/8 का मतलब भी 12.5% होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए हैं ना, आप लोग जैसे इतना इजी देगा तो काम हो जाएगा, इस इजी में काम आपका खराब कर देगा ना, नंबर डाल देगा किसी को पॉइंट में, ठीक है, तब आपका काम खराब हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे की, फुल 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 मतलब, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन तो बहुत थे आज, कम से कम आपको 25 क्वेश्चन कराना था, लेकिन आपकी क्लास 20 मिनट लेट हो गई, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन आपके कम हो पाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, ये क्लास जो 2 दिन में होता अब 3 दिन में होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत आपको यहां पे ज्ञात करनी है। अब यहां पे आ गए 3%, फॉर्मूला तो आपका सिर्फ 2 ही का था, अब 3 पर कैसे लगाएंगे, तो 3 वाला फॉर्मूला भी होता है लेकिन उसको लगाना नहीं है, 3 वाला फॉर्मूला भी होता है उसको लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि 100 पे क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होगा। मान लीजिए कि रमेश का वेतन 100 रुपया था, पहले 35% बढ़ाया गया तो 135% हो गया, उसके बाद 40% कम किया गया तो 60% हो गया, उसके बाद फिर से 25% की वृद्धि कर दी गई तो 125% हो गया। अब ये 3 चीजें करने के बाद आप देखिए फाइनल आपका आंसर क्या बचता है। ठीक है, फाइनल आपका आंसर क्या बचता है, आप कहेंगे सर 100 से 100 कट जाएगा, 20 का 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 चौके 100 हो जाएगा, तो इसको नहीं छेड़ते हैं। ठीक, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, चलिए छेड़ दीजिए, 4 से काटेंगे 15 बार में कटेगा। ठीक, 4 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, 5 तिया का 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 135 तिया कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा, जिसको 4 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 101.25 हो जाएगा। यदि रमेश की वेतन 100 रुपया थी तो फाइनल वेतन कितना बच रहा है, आप कहेंगे सर 101.25 बच रहा है। क्या 101.25 बच रहा है, यानी कि 1.25% की क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। देखिए 1.25% की क्या हुई, ऑप्शन ए, यानी कि आपकी यहाँ पे वृद्धि हो गई। ठीक है, आया समझ में, 2 वाले परसेंटेज को भी बढ़ा लेंगे, 3 वाले परसेंटेज को भी बढ़ा लेंगे ना, जल्दी बताइए, 2 वाले परसेंटेज को भी बढ़ा लेंगे, 3 वाले परसेंटेज को भी बढ़ा लेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए ये देखिए एक सवाल, इसको करिए तो जरा, अब्दुल खान कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
अरे ऐसे कैसे हो गया कि कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ तो समझ में आना चाहिए। क्लास छोड़ दीजिए, कल कीजिएगा। देखिए क्लास छोड़ ही देंगे क्योंकि हमको भी ऑफिस जाना है, थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद छोड़ते हैं। ठीक है, कम से कम ये जो टॉपिक हम लोग उठाए हैं ये बढ़ने घटने वाला टॉपिक बस खत्म कर दिया जाए, ताकि कल फिर से एक नए टॉपिक से शुरू किया जाएगा। ठीक है, कल फिर से एक नए टॉपिक से हम लोग शुरू किया जाएगा। ठीक, चलिए इसको करिए तो जरा जल्दी से। चलिए इसमें क्या है, एक चमड़े के थैले की कीमत 15% वृद्धि की गई और फिर से 15% की कमी की गई। अब यहां पे एक चीज सीखना है, देखिए आपके पास परसेंटेज वृद्धि और कमी दो ही है तो आप इस फॉर्मूले से जा सकते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 100 वाले मेथड से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे एक चीज देखिए, आपने कीमत को पहले 15% बढ़ाया है तो आप प्लस का 15 करेंगे, फिर से 15% घटाए हैं तो माइनस का 15 करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 गुणे का माइनस का 15 और बट्टे का 100 हो जाएगा। अब बस यहां पे एक चीज देखेंगे तो इसके बाद आपको ये मेथड याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा, आप देखेंगे प्लस के 15 से माइनस का 15 तो खत्म हो जा रहा है, बच क्या रहा है, बस 15 गुणे का 15 बट्टे का 100 बच रहा है। क्या 15 गुणे का 15 बट्टे का 100 और माइनस साइन लगा हुआ है तो 15 15 जा 225 और बट्टे का 100 बच रहा है, यानी कि माइनस का 2.25% बच रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा, तो ये 2.25% की कमी आएगी। अब यहां से क्या होता है, एक नया नियम आपको पता चलता है। क्या पता चलता है, ये दोनों टर्म तो अपने में कट के खत्म हो गए, दो टर्म तो अपने में कट के खत्म हो गए, बचा क्या, वही दो टर्म गुणा हुए और माइनस साइन के साथ बचे। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी चीज को अगर आपने मान लीजिए एक्स प्रतिशत बढ़ाया है, ठीक, एक्स प्रतिशत बढ़ाया है, अगर आपने उसको एक्स प्रतिशत घटा दिया, अगर एक्स प्रतिशत बढ़ाए थे उसके बाद अगर आपने एक्स प्रतिशत घटा दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे फाइनल जो होगा ये हमेशा कमी होगी। क्या होगा, हमेशा कमी होगी। आपने देखा माइनस साइन के साथ आया और कमी कितने की होगी, तो कमी हमेशा होगी एक्स स्क्वायर बट्टे की 100% की। ठीक है, कितना कमी होगा, तो एक्स स्क्वायर बट्टे 100% का हमेशा कमी होगा। ठीक, कभी भी ऐसा आए कि आपने 15% बढ़ाया 15% घटाया तो आपका हर समय क्या होगा, यहाँ पे कमी होगा, कितना, 15 का स्क्वायर बट्टे का 100 यानी 2.25% की कमी होगी। और कैसे आया मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, प्रिंस रॉय जो 100 वाला मेथड किए है ना, एक बार इस वाले मेथड से कंपेयर करिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका फास्ट हो रहा है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। ठीक है, इसको करिए तो जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कौन क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलेगा। प्रतिशत कैसे निकाल लेते हैं, ये कौन सा सवाल हुआ। एसएससी अपना रूम देती है रहने के लिए, एसएससी अपना रूम क्यों देगी आपको रहने के लिए, ये बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब यहां पर भी सेम केस है, 25% की कमी की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है, तो क्या होगा, 25% की कमी की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है, कमी भी है वृद्धि भी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए तो जल्दी से। मान लीजिए एक बच्चा कब से 100 वाले मेथड पे बेचैन है, 100 वाले मेथड पे करेंगे तो 100 है, 25% की कमी करेंगे तो 75% हो जाएगा, फिर से 25% की वृद्धि करेंगे 125% हो जाएगा, 100 से आपका यहाँ पे 100 कट जाएगा, 25 या 75 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 375/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते रहिए, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते रहिए, 4 8 4 9 36 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 5 या 7 5 जो भी आ रहा हो, ठीक, ये आएगा ऐसे। ठीक है, आप डायरेक्ट कर लीजिए, आपको पता है कमी भी हुई है वृद्धि भी हुई है, यानी एक्स स्क्वायर बट्टे का 100% की हमेशा यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। ठीक,
अगर परसेंटेज समान है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 25 स्क्वायर बट्टे का 100 कर लेना है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 बट्टे का 100 यानी कि क्या होगा, यहाँ पे हमेशा 6.25% की कमी होगी। कितना होगा, 6.25% कहिए या फिर ऑप्शन बी कहिए, ये आपका यहाँ पे कमी होगा। ठीक, चलिए कितना हो जाएगा, इतना कमी होगा। चलिए अब आगे जो आपका सवाल आएगा वो आपका आय व्यय से आएगा, जिसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आय व्यय से क्वेश्चन आएगा, आपकी वेतन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चे आप सभी लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, तब आप रेंट पर रहते हैं। देखिए आपको मैं बता दूँ, SSC आपका सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, SSC का काम है सिर्फ पेपर लेने का। ठीक है, रूम कमरा आपको मिलेगा कि नहीं, नौकरी कहाँ मिल रही है, ये आप किस डिपार्टमेंट में है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक, जैसे मेरा डिपार्टमेंट है तो मेरे को यहाँ पे रहने के लिए रूम मिलेगा। ठीक है, रहने के लिए आपको क्या होगा, स्टाफ क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर एलोकेट होता है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उसमें रहिए या फिर बाहर रहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। बाहर रहेंगे तो आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, जो कि आपका किराया होता है, अगर बाहर रहेंगे तो आपको किराया मिलेगा। ठीक, तो आपके ऊपर होता है, आपका मन करे तो बाहर रहिए, आपका मन करे तो अंदर रहिए। ठीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच आज से स्टार्ट होने वाला है, क्लासेज इसमें लाइव चलेंगी सारी क्लासेज, आज आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट बैच आपको मात्र 299 में मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज़ एकदम बेसिक से एकदम बेहतर ढंग से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके साथ दिल्ली पुलिस का राजधानी बैच भी आज ही स्टार्ट होगा। ठीक है, आप क्या करिएगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आज इस बैच से जुड़ जाइएगा, आज इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, कुछ क्लासेस आपके ऐप पर फ्री भी रहेंगी, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपको एकदम बेसिक से मैथ सीखना है तो अजय सर की क्लास चलती है रोज रात को 8 बजे, तो इस क्लास से आप सभी लोग जरूर जुड़ा करिए। ठीक है, कोड ABC पर समकोण है, कोड ABC पर समकोण है P, C से AB खींचा जाता है लंब, ABBC CA की लंबाई, ACAB है, क्या है ये सवाल। दो व्यक्ति X और Y एक ही समय में और एक ही दिशा में 15-12 की चाल से चलते हैं, प्रत्येक घंटे Y की चाल 0.5 किलोमीटर से बढ़ जाती है, X Y से कब मिलेगा। अरे ये तो क्वेश्चन करा रखे हैं, 3, 3, 6, 7 घंटे के बाद, एक मिनट, 3, 7, 7, 14, 3 किलोमीटर चाल बढ़ानी है, 3 किलोमीटर चाल बढ़ाने में 6 घंटा लगेगा, 6 घंटा बढ़ने में, 6 घंटा मेंटेन करने में, 1 घंटा जीरो वाला, 13 घंटे का समय लगेगा। आरा बिहार, ये क्वेश्चन आपसे तो हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए आपके SSC मेट करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको हर एक अपडेट, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अब देखिए एक बच्चा आरा बिहार, एक व्यक्ति की चाल है 15 की, एक व्यक्ति की चाल है 12 की। ठीक, ये 1 घंटे में 15 चला, अगले घंटे में फिर से 15, अगले घंटे में 15, 15, 15 ऐसे चलेगा। ये पहले घंटे में 12 चला, दूसरे घंटे में 12.5, तीसरे घंटे में 13, चौथे घंटे में 13.5। ठीक है, पांचवें घंटे में 14, छठे घंटे में 14.5 और सातवें घंटे में जाके ये 15 की चाल से चलेगा, सातवें घंटे में ये 15 की चाल से चलेगा। ठीक, और ये 7 घंटे तक लगातार 15 की ही चाल से चल रहा है। ठीक, अब 7वें घंटे में ये लोग बराबर दूरी को तय करने वाले हैं, 7वें घंटे में बराबर दूरी को तय करने वाले हैं। यहां पे ये 3 किलोमीटर कम चला है, यहां पे 2.5, यहां पे 2, यहां पे 1.5, यहां पे 1 और यहां पे आधा। ठीक है, अब इसकी चाल बढ़ेगी, अब इसकी चाल बढ़ेगी, यानी अब ये अगले घंटे में 15.5 चलेगा, लेकिन ये सिर्फ 15 ही चलेगा, यानी यहां पे अब ये आधा किलोमीटर ज्यादा चलेगा। ठीक, ये आधा किलोमीटर इस आधे किलोमीटर को बैलेंस करेगा, फिर से 1 किलोमीटर ज्यादा चलेगा वो इसको बैलेंस करेगा, फिर से 1.5 चलेगा वो इसको बैलेंस करेगा, फिर से उसकी चाल 2 से बढ़ जाएगी इसको बैलेंस करेगा, फिर से 2.5 से बढ़ जाएगी इसको बैलेंस करेगा, फिर से 3 से बढ़ जाएगी तो इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे में इसको मेंटेन किया है, 1 घंटे तक दोनों की चाल 15 थी। ठीक है, आगे का 6 घंटा इसको मेंटेन करने में जाएगा, तो 6, 6, 12 प्लस का 1, 13 घंटे तक अगर ये चलेगा तो ये समान दूरी को तय कर लेंगे, 13 घंटे तक चलेगा तो समान दूरी को तय कर लेंगे। ठीक है, ये आपको कई बार कराए भी हैं।
ठीक, और थोड़ा सा समझ के भी देखिएगा। सर कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए, एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें पेड कोर्स पे जाइएगा, उसमें आप जाइएगा पेड कोर्स पे, ठीक। पेड कोर्स में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास दिख रही होगी, आप चाहे यूपी पुलिस चाहे दिल्ली पुलिस की क्लास खोलिएगा, उसमें मैथ्स की क्लास दिख रही होगी, और मैथ्स की यहां पे देखेंगे तो लाइव भी दिख रहा होगा ऊपर। या तो मैथ की क्लास खोल के जुड़ जाइएगा या तो लाइव खोल के जुड़ जाइएगा, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, आप क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। कितने आसानी से समझा देते हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे ना, आप भी इसको समझ जाएंगे। सचिन पाल आपका अब जवाब देंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, ठीक है। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा।